हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो पिछले दो दिन से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अब आप रिएक्शन नहीं देंगी, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतना अच्छा हो गया, इतना बुरा हो गया, अब आप चुप क्यों हैं, लगता है आपको सिर्फ एक ही के बारे में रिएक्शन देना है। तो सबसे पहले मैं आप सबको क्लियर कर देती हूँ कि मेरा रिएक्शन चैनल किसी भी एक पर्टिकुलर व्लॉगर के लिए डेडिकेटेड नहीं है। मेरा वो वाला चैनल नहीं है जहाँ पर दिन में तीन तीन चार चार वीडियो आए और सिर्फ किसी एक ही व्लॉगर के लिए। मैं हर किसी कंट्रोवर्सी को, हर किसी ट्रेंडिंग टॉपिक को, हर किसी व्लॉगर को और हर किसी सेलिब्रिटी को कवर करने की अपने एंड पे पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो यस, मेरे चैनल पे अगर दिन में तीन वीडियोस आ रही हैं तो वो तीनों आपको डिफरेंट डिफरेंट व्लॉगर्स पे मिलेगी। किसी एक पर्टिकुलर व्लॉगर के लिए मेरा चैनल डेडिकेटेड नहीं है। यहाँ पे आपको मल्टीपल वीडियोज़ मिलेंगी, मल्टीपल रिएक्शंस मिलेंगे मल्टीपल सेलिब्रिटीज़ पे, मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स पे। तो जी हाँ, चलिए दो तीन दिन का लमसम आज इस रिएक्शन वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आई होप कि मैं इस रिएक्शन के माध्यम से आप लोगों की कुछ जो शिकायतें हैं उन्हें पूरा कर पाऊँ और मेरे रिएक्शंस आप लोग डाइजेस्ट कर पाओ। बेसिकली होता क्या है कि लोगों को समरी सुनने की और समरी देखने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि वो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू ना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और उसे प्रॉब्लम होने लगती है। देखो, व्लॉग आप लोग हमेशा देखते ही हो, व्लॉग आप लोग टॉप टू बॉटम एंड टू एंड देखते ही हो। अब अगर मैं भी आपको उसी व्लॉग की समरी बताने लगूं तो शायद उसमें आप लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उनके व्लॉग के अंदर क्या हुआ है ये ए टू जेड समरी नहीं बता सकती। मैं ये बता सकती हूँ कि अगर मैंने उनका 20 मिनट का व्लॉग देखा, उस व्लॉग को देखने के बाद मेरे माइंड में उसे लेके क्या नज़रिया आया, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, मैं ये शेयर करती हूँ। मैं किसी भी व्लॉग की समरी आपको बताने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। तो यस, पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मेरा औरों से डिफरेंट होता है। समटाइम्स ये आपको बेकार भी लग सकता है, कभी अच्छा भी लग सकता है। अगर आपके फेवरेट के थोड़ा सा फेवर में होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा लगेगा, और अगर उनके थोड़ा सा अगेंस्ट में होगा तो वो भी नेचुरल है कि आपको बुरा भी लगेगा। बट मैं बोलूँगी तो मैं वही बोलूँगी जो मेरा नज़रिया होगा। मुझे ये नहीं देखना कि दूसरा तीसरा बंदा इस बारे में क्या बोल रहा है। तो यस, आपने देखा कि निकू अपने मायके चली गई है। हेल्थ इशू से काफ़ी समय से परेशान थी वो। पहले उनके स्टमक में इन्फेक्शन भी था इनिशियल डेज़ में, उसके बाद भी आपने उनकी तबीयत देखी ही, बहुत ज़्यादा डल और बहुत ज़्यादा इररेगुलर हो गई थी वो अपनी व्लॉगिंग में, और उनको एक रेस्ट की ज़रूरत थी। काफ़ी टाइम से वो अपने मायके में लंबे समय के लिए नहीं गई हैं, तो इस बार उन्होंने फाइनली ये फैसला लिया कि थोड़ा सा मुझे कंफर्ट भी मिल जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज़ क्लियर करी कि ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल में मुझे किसी चीज़ की कमी है, लेकिन जितनी भी बहुएँ हैं, जितनी भी बेटियाँ हैं, वो समझ सकती हैं कि मायके के मायने एक लड़की के लिए क्या होते हैं और ससुराल की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। नो मैटर कि आपका ससुराल कितना भी आलीशान हो, कितना भी कंफर्टेबल हो, बट फिर भी वहाँ पर एक हेजिटेशन हर बहू के दिल में होती है कि अगर सास काम कर रही है और अगर पूरा काम कर रही है तो वो 24 घंटे रेस्ट नहीं कर पाती है। वहीं पे मायके थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। मम्मी खुद ही कुछ करने नहीं देती हैं कि बहुत टाइम के बाद बेटी घर आई है तो उसे प्रॉपर रेस्ट मिले, और इस टाइम पर जिस कंडीशन से, हेल्थ कंडीशन से निकी जूझ रही है, उसके हिसाब से उसके लिए रेस्ट ये रिक्वायर्ड भी था। अपने मायके गई जहाँ पर थोड़ी सी बेटर नज़र आ रही है, और उसी के साथ उन्होंने अपने कॉन्टेंट पर बहुत अच्छा काम किया। वो जैसे ही मायके गई, उन्होंने मायके का एक बहुत ही अच्छा Q&A राउंड रखा, जिसके क्वेश्चंस उन्होंने खुद अपनी ऑडियंस से पूछे थे। ऑडियंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करे, जिसके रिप्लाई देते हुए और जो Q&A करते हुए निकू ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया। अब निकू ने उन सारी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर अप करी, जहाँ पर मैं दो तीन पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी जो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं, क्योंकि बाकी तो आपने पूरा व्लॉग देखा ही होगा। जहाँ पर उनकी मम्मी को बेसिकली लेके बहुत बार आपने देखा होगा कि इस कंट्रोवर्सी के दौरान जिनके चैनल्स थे वो तो ड्रैग हुए ही हुए, लेकिन जिनके चैनल्स नहीं भी थे वो फैमिली मेंबर्स भी ड्रैग हुए गए। आए दिन निक्की की मम्मी के लिए भी बहुत कुछ बोला जाता था, तो वहाँ पे निक्की ने एक चीज़ क्लियर करी अपनी ऑडियंस से। वहाँ पे ये अक्सर बोला जाता था कि निक्की की मम्मी का इन्वॉल्वमेंट, निक्की के मायके वालों का इन्वॉल्वमेंट निक्की के ससुराल में बहुत ज़्यादा है, जिसका जवाब बहुत प्राउडली और बहुत हक से देते हुए निक्की ने कहा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स का इन्वॉल्व मेरे ससुराल में ज़्यादा है। उन्होंने उस घर को अपनी बेटी दी है, और जिस घर में एक माँ बाप अपना अनमोल तोहफा देते हैं, अपनी बच्ची देते हैं, उस घर में उस बेटी के साथ सुख में दुख में माँ पिता का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए, और ये वाकई में होना चाहिए। ये बहुत पुराने ज़माने की सोच होती थी कि अगर बेटी विदा कर दी तो भैया बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना, बेटी के ससुराल में बिन बुलाए कदम भी नहीं रखना, लेकिन अब वक्त बदल रहा है,
टाइम बदल रहा है तो उसके हिसाब से लोगों को अपने अंदर ये ख्याल भी चेंज करने चाहिए और अपडेट भी होना चाहिए। देखिए, जिनके भी घरों में बेटी होंगी, आज किसी की छोटी होंगी, किसी की बड़ी होंगी, किसी ने अपनी बेटी की शादी कर दी होगी, बहुत तकलीफ़ होती है माता पिता के कलेजे में जब वो बेटी को ससुराल में तकलीफ़ में देखते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है उसकी मम्मी की, जब भी दुख होता है, जब भी सुख होता है, वो लोग वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि जो बातें और जो प्रॉब्लम का सलूशन बातचीत से निकल सकता है ना, वो कभी भी एक दूसरे से दूरियां बना के नहीं निकल सकता। दूरियों से हमेशा दरारें और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा मजबूत होती हैं। लेकिन आप अगर पास आके बातें करेंगे, चार बातें अपनी बोलेंगे, चार बातें उनकी सुनेंगे, तो हमेशा आप एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, यानी कि एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी आदत होती है। उस वक्त आपको ये कभी नहीं देखना चाहिए कि ये मेरी बेटी का घर है या मेरा बेटी का ससुराल है। उस समय आपको ये देखना चाहिए कि अगर आप लोगों के बीच के रिश्ते डगमगा रहे हैं, तो बेटर है कि आप वहाँ पे जाके बातचीत से उन रिश्तों को और उन प्रॉब्लम को उस समय पे सॉल्व कर लें। तो निकी ने बहुत प्राइडली और बहुत अच्छे से बोला कि यस, मेरी मम्मी पापा का इन्वॉल्वमेंट है मेरे ससुराल में, क्योंकि अगर वो मेरे सुख में इन्वॉल्व हो सकते हैं तो उनका पूरा हक बनता है अपनी बेटी के दुख में भी इन्वॉल्व होने का। उसी के साथ साथ ये भी बोला गया कि बिन बुलाए क्या ये लोग आ जाते हैं, कि इनको बिना इन्विटेशन के। तो मैं फर्स्ट टाइम इस चीज में निकी के पेरेंट्स की दाद दूंगी। अक्सर क्या होता है, आज भी हमारी सराउंडिंग्स में कोई ना कोई रिश्तेदार हमारा ऐसा होता है जो हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको इंडिविजुअली पर्टिकुलरली कॉल करके, उसकी आवभगत करके उसको इनवाइट किया जाए। लेकिन अगर दिल के रिश्ते हैं ना, आप दिल से कोई रिश्ता निभा रहे हो, तो उस रिश्ते में कभी भी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुशी में अपने आप शरीक होने जाते हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी निकी की फैमिली की, कि इन्होंने ये चीज़ बोला कि हम इनविटेशन जैसे चीज़ में ना, फॉर्मेलिटी वाली चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। हमें ये है कि अगर हमें जाना है किसी सुख में, तो हम लोग बिना इन्वाइट करे भी चले जाते हैं। जैसे बच्चों का बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुई, तो बहुत अच्छी चीज़ है। वरना मैंने ऐसे भी रिश्तेदार देखे हैं, ऐसे भी घर देखे हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर फैमिली में पांच मेंबर हैं ना, तो पांचों को स्पेशली पहले कॉल पे न्योता दिया जाए, उसके बाद उन्हें बुलाया जाए। अगर घर में किसी एक बड़े को भी बुला दिया जाए, तो बाकी के मुंह फुला देते हैं कि हमें तो इनवाइट किया है नहीं। उस जगह पे मुझे निकी के पेरेंट्स का ये नेचर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे लगता है कि ऐसे रिश्तेदारों को ये चीज़ें सीखनी चाहिए जो मुंह बनाते हैं जरा जरा सी बात पे कि हमें इनवाइट नहीं किया, ऐसा था, हमें इनवाइट नहीं किया। अगर आप किसी की खुशी में शरीक होना चाहते हैं और आप उनको अपना समझते हैं, तो हमेशा बिना इनविटेशन के वहाँ पे हक से पहुँच जाइए। इसी को कहते हैं दिल के रिश्ते, जो कभी भी किसी फॉर्मेलिटी के मोहताज नहीं होते हैं। उसी के साथ साथ आप थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं निकी के कमेंट सेक्शन में। आप जानते ही हैं कि निकी चाहे दुनिया में कितनी भी अच्छाई कर ले, लेकिन उसको बुरा बोलने वाले लोग उसकी हर चीज़ में कोई ना कोई कमी निकालने आ ही जाते हैं, नो मैटर कि वो व्लॉग में क्या दिखा रही है। लोगों का मोटिव सिर्फ ये होता है कि जैसे ही व्लॉग आएगा, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, यानी कि कमेंट सेक्शन, जहां पे उनको अपनी हेट और अपने दिल की फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। शायद वो फ्रस्ट्रेशन उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में होती है, जो आके वो कमेंट सेक्शन में निकी के निकाल देते हैं। और मैं आप लोगों को लेवल दिखाना चाहती हूँ, इन कमेंट्स वालों का लेवल, किसी के सपोर्टर्स का लेवल, कि किस तरीके के सपोर्टर्स ये हैं, क्या इनकी लैंग्वेज है, वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी और मैं आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ। तो इन्होंने, मैडम ने लिखा है, यहाँ आते ही ये नौटंकी ठीक हो गई। वाओ, मतलब एक इंसान का व्लॉगिंग का काम है और उस इंसान ने पिछले दो दिन से व्लॉग नहीं डाला था। उनकी हेल्थ हम सब ने देखी थी, और अगर मायके आके वो अपना व्लॉगिंग का काम कंटिन्यू कर रही है। लोग तो तब भी व्लॉगिंग बनाते हैं जब उनके घर में कोई सीरियस इशू हो जाता है। लोगों को तो हमने तब भी व्लॉगिंग बनाते हुए देखा है जब उनके घर में कोई एक्सपायर हो जाता है। इस व्लॉगिंग की दुनिया में हमने ऐसे ऐसे व्लॉगर्स देखे हैं जिन्होंने, चाहे नो मैटर कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन अपने व्लॉगिंग कभी भी मिस नहीं करी। अपना डेली व्लॉग का मतलब डेली डाला है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। तो वहाँ पे निकी कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं थी कि वो बिल्कुल ही हॉस्पिटलाइज हो गई हो, वो मायके गई है। वहाँ से अगर आपने उसका एक व्लॉग फ्रेश तरीके से देख लिया, तो वहाँ पे इनको ये लगता है कि मायके आते ही इस नौटंकी की नौटंकी ख़त्म हो गई। जिसके जवाब में निकी ने ये भी लिखा है, हाँ बिल्कुल ठीक, तुमको कोई दिक्कत है तो नीचे सुनिए, तो नीचे सुनिए। अब देखिए निक्कू ने ये लिखा है कि हाँ बिल्कुल ठीक, तुमको इतनी दिक्कत है,
फिर भी उसने बहुत रिस्पेक्टफुल अंदाज में इनके इस गंदे से भद्दी सी लाइन का रिप्लाई किया। अब इसके रिप्लाई में इन मैडम ने क्या रिप्लाई किया, यहाँ से आपको इनका लेवल और इनकी लैंग्वेज पता चलेगी। और ऐसी ही लैंग्वेज वाले कमेंट्स को लेके अक्सर निक्की वीडियोस बनाती हैं। मर्दानगी वाले पॉइंट्स को लेके भी वीडियो इन्हीं जैसे कमेंटेटर्स के लिए बनाई गई थी, जिसको कहीं ना कहीं किसी ने अपने ऊपर ले लिया था। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा, मुझे क्यों दिक्कत होगी तुमसे, नाचो गाओ मुजरा करो, अपने ज्ञानी को भी समझा दो यह है कि भाभी की हर चीज़ से तुम्हें क्यों दिक्कत है। अगर ये अपने ज्ञानी को भी समझाया होता तो एक हैप्पी फैमिली होती। तुम सारे आम नौटंकी करते हो वाईटी पे। यहाँ पर भी नहीं रुकी, ये वाला पूरा कमेंट लिखने के बाद फिर नीचे भी लिखा बैक टू बैक कि अब ब्लॉक कर देना क्योंकि तेरे पिच, समझ जाओ आगे क्या भद्दा वर्ड है ये, मैं आग लग रही होगी। अब मुझे बताइए कि अगर ऐसे कमेंट्स के ऊपर कोई रिएक्ट ना करे तो वो इंसान क्या करे। एक इतना नॉर्मल व्लॉग जहाँ पे Q&A लेके आई कोई लड़की अपने मायके का, वहाँ पे कंटेंट में क्या दिखाया है इससे लेना देना नहीं है। निक्की वहाँ पे नॉर्मल कैसे दिख रही है इस चीज़ से लेना देना है। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट कमेंट पे। तो ये कुछ सपोर्टर्स के नाम पे हेटर्स हैं निक्की के, जो अक्सर आके उसको उसके कमेंट सेक्शन में ट्रॉल करने से बाज नहीं आते। और इसी के नहीं, जहाँ जहाँ जा सकते हैं, जहाँ जहाँ तक इन्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये वहाँ वहाँ तक निक्की के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलने की हिम्मत करते हैं। तो वहीं पे दूसरे वाले, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये 4-5 जनों का ग्रुप है जो बिल्कुल हाइपर एक्टिवली हर जगह पे काम करते हैं, तो दूसरा कमेंट आता है, तुम्हारे ना रहने पर सारा परिवार प्यार से रहता है, कोई लड़ाई नहीं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और तुम्हारे जाते ही फिर कलेश होता है, तुम अपनी माँ के घर ही रहा करो। सोचिए, उसके बाद निक्की ने इस कमेंट पर रिप्लाई किया है, तो यहीं रुक जाती हूँ फिर हमेशा के लिए, बताइए ठीक रहेगा। तो इनके इस कमेंट्स पे ना मुझे निक्की की तकलीफ़ नज़र आई कि सामने वाला बंदा तो बोल देता है, मतलब कितनी आसानी से आपने एक घर की बहू को ये रियलाइज़ करा दिया कि तुम्हारी वजह से ही सब कुछ होता है, अब तुम वहाँ नहीं हो तो देखो सब कुछ कितना ठीक है, तुम्हें तो अपने मायके ही रहना चाहिए। आपकी भी घर की बेटियाँ होंगी, आपके भी परिवार में बेटियाँ होंगी जो आपने कहीं ब्याही होंगी, किसी बेटी को ये बोलना कि तू अपने ससुराल छोड़ तू अपने मायके में ही बैठ, कितना बुरा लगता है, वो भी एक महिला के मुंह से, जो महिला इन लोगों की 24 घंटे की ज़िंदगी जानती भी नहीं है, लेकिन जजमेंट ऐसे पास कर रहे हैं। इसका जवाब निक्की ने जो दिया है, उस समय पे मैं निक्की की इस समय पे फीलिंग समझ सकती हूँ कि जब इतना कोई चीज़ लिख देता है ना, तो उस समय उसने यही कहा कि ठीक है मैं यहीं रह लेती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। तो एक बात मुझे बताओ, ये चीज़ क्यों शुरू हुई, क्योंकि सामने वालों ने एक अच्छा सा वीडियो अपना डाला अपने इन लॉज के साथ, ठीक है, लेकिन उसने अपना वीडियो डाला, उसकी वीडियो के कॉन्सिक्वेंसेस निक्की को क्यों झेलने पड़े, वो खुश रहें हंसे नाचे गाएं, उसकी वजह से निक्की को कोई लेना देना नहीं, निक्की की वजह से उन्हें कोई लेना देना नहीं। खैर, इस बारे में भी बात करूँगी। उससे पहले तो ये कुछ कॉमेंट्स थे जो मैंने निक्की के चैनल के नीचे देखे, जो मैंने सोचा कि चलिए इस पर थोड़ी सी बात की जाए। उसके अलावा अब आ जाते हैं हम सीधा से दूसरी पार्टी के व्लॉग पे। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि व्लॉग के टाइटल ना हमेशा ऐसे नहीं रखने की ज़रूरत होती है जहाँ पे आप दूसरे को शो ऑफ कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी नाइस कि आप ट्राई कर रहे हो अपने घर को एक करने का, आप कोशिश कर रहे हो घर में मिंगल अप करने की, सब चीज़ें पीछे भुलाने की, क्योंकि ये मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि जब हम एक घर के अंदर रहते हैं, हमारे खून के रिश्ते होते हैं, तो वो रिश्ते कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। मन मुटाव हो सकते हैं, पर वो मन मुटाव टेम्पररी होते हैं, ज़िंदगी भर का कोई किसी से नफरत नहीं करता है। बहुत अच्छी चीज़ है कि अंकल आंटी व्लॉग में आए, और मैं बहुत खुश हूँ कि अंकल आंटी ने आखिर उन हेटर्स को, उन नेगेटिव बोलने वालों को बहुत अच्छा जवाब दिया, जिन्होंने अंकल आंटी पे, बेसिकली आंटी पे पिछले दिनों इतनी उंगलियाँ उठाई थी कि ये तो बहू बेटों में भेदभाव करती हैं, ये ऐसी सास है, मतलब किस किस लेवल की बातें उनके लिए बोली गई थी, जिसकी वजह से निक्कू और सुमित को कमेंट सेक्शन भी ऑफ करना पड़ा था। और आज आंटी और अंकल ने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि उनके लिए अपने बच्चों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव कुछ
दो चार नेगेटिव लोगों की फैलाया हुआ रायता था जो बाकी सब लोग फॉलो करते चले गए, लेकिन माँ के लिए अपने सारे बच्चे बराबर होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आंटी ने प्रूव कर दी। इनफैक्ट बहुत दिन से वो उनके व्लॉग में आ रही हैं और बहुत हंसते मुस्कुराते हुए आ रही हैं, कहीं पे भी उनका चेहरा ऐसा नहीं लगा। सोचिए कि माँ होने के बावजूद, एक माँ जो सोशल मीडिया का कुछ खास ऐसा चेहरा भी नहीं है, उसके बाद भी उस माँ को क्या क्या नहीं बोला गया, फिर भी वो माँ बीती बातें भुला गई। ये होते हैं हमारे पेरेंट्स, ये होते हैं हमारे बुज़ुर्ग, कि वो बीती बातें भुला के हमेशा लाइफ में प्रेजेंट और फ्यूचर पे ध्यान देते हैं, पास्ट की बातों को वो भूल जाते हैं। उनसे एक बार प्यार से बात तो करके देखो वो क्या क्या नहीं दे देंगे, आशीर्वाद पे आशीर्वाद दे देंगे। मैंने जैसे कि बोला था, छोटे बच्चे और बड़े बुज़ुर्ग दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं, इज्जत और प्यार के भूखे। अगर आप अपने बड़ों को इज्जत और प्यार दोगे ना, उनके आगे झुकोगे, तो वो आपके लिए कुछ भी कर देंगे। वो बीती बातें भूल जाएंगे कि हमने इस वजह से कितना सुना था, कितना हमें बोला गया था, क्या क्या हमें नहीं बोला गया था। आज वो सब चीज़ें भूल के वापस से अपनी बहू के साथ कितने प्यार से हैं। तो ये होते हैं पेरेंट्स, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इन फ्यूचर चाहे कोई भी कॉन्ट्रोवर्सियल सिचुएशन हो जाए, माता पिता को कभी भी कोई ड्रैग ना करे, माता पिता के लिए कभी भी कोई किसी के मुंह से अपशब्द को स्वीकार ना करे। पहली ही चोट पे ये बोले कि हमारी कॉन्ट्रोवर्सी जो दो व्लॉगर हैं घर के मेन, उनके बीच में है, मेरे माता पिता को कभी भी इस चीज़ के बीच में ना लाया जाए। माता पिता के लिए जैसे आज प्यार वाला वीडियो दिखाया है, इसी चीज़ को बरकरार रखना और उनको हमेशा प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये आप दोनों की अलग अलग ऑडियंस है, और अपनी ऑडियंस से अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि एक तरफ बहुत कुछ उन्हें सुनने को मिला, दूसरी तरफ फिर ये भी बोला गया कि मैंने तो सास के लिए कुछ बोला नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो ऑडियंस इन्हीं की थी जिन ऑडियंस को मना किया जा सकता था। तो चलिए, वीडियो बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने बोला कि खुशी वाली वीडियो पे ना अपनी खुशी जाहिर करनी चाहिए। कभी भी वीडियो ये मत बनाओ कि हम दूसरे को दिखाने के लिए या दूसरे को सुनाने के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं। हमेशा अपनी खुशी का इजहार खुशी वाले शब्दों में करो, अच्छे टाइटल के साथ शुरुआत करो। इसके साथ कभी मत करो कि हम ये दुनिया को शो करना चाहते हैं, हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जी नहीं, ये आपकी घर गृहस्थी है और आपको दुनिया को नहीं दिखाना है, आपको अपनी घर गृहस्थी खुद संभालनी है। यहाँ पर खुशी होगी तो आप लोग ही खुश होंगे, यहाँ पर दुख होगा तो आप लोग ही दुख होंगे। दुनिया को मत दिखाओ, दुनिया को शोकेस मत करो कि मैं इन्हें दिखाना चाहती हूँ, मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ। जी नहीं, किसी को मत दिखाओ, अपनी घर गृहस्थी खुद संभाल के रखो। उसके बाद थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। कमेंट सेक्शन में जैसे कि काफ़ी लोग इस चीज़ से खुश भी हुए कि चलिए परिवार धीरे धीरे अच्छा कर रहा है, धीरे धीरे चीज़ें संभल रही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे आके भी कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो बातें लोगों ने तो बोली, लेकिन वो बातें बोली भी इनकी ही हैं। मतलब लोगों ने याद दिलाई हैं, एक तरीके से रिमाइंड कराई हैं इनके कमेंट सेक्शन में, और ऐसे एक या दो नहीं, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे रेफरेंसेस के लिए लगा भी दूंगी ताकि आप लोग ये ना बोलो फिर कि ये चीज़ें मैंने बोल दी। जी नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म पे जो लिखा जा रहा है, जो बातें हो रही हैं, उसके आधार पे मैं बोल रही हूँ। कि यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी बोला है, मैडम तुम बिन पेंडिंग की लोटे हो, खुद सबको गिरा देती हो, अपनी सास, देवर, देवरानी, ससुर सब पर ब्लेम पब्लिक को करती हो, और फिर ब्लेम पब्लिक को करती हो कि सास के बॉन्ड से झटके लगे हैं हमें। क्यों झटके लगेंगे, तुम खुद घटिया हो। तो मैंने क्या बोला था, इनके एक टाइटल की वजह से बहुत लोगों को वो टाइटल बुरे लग सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ की शुरुआत करी है, तो उस चीज़ की शुरुआत आप बहुत पॉजिटिव टाइटल के साथ लगा सकते हैं। मतलब इन्होंने झटके वाला कुछ टाइटल लगाया था कि लोगों को झटके लगेंगे, जिसके जवाब में नीचे कॉमेंट्स में लोगों ने किया कि हमें क्यों झटके लगेंगे, बेइज्जती तुमने कराई थी देवर देवरानी सास की, सबकी बातें तुम्हारी वीडियो के माध्यम से आई थी, आज तुम सबके साथ एक होने का नाटक कर रही हो या साथ हो गई हो, लेकिन उसके बदले तुम दुनिया को बोल रहे हो कि तुम्हें झटके लगेंगे, भैया हमें क्यों झटके लगेंगे। तो ये एक कमेंट आया है। इसके अलावा एक कमेंट और आया है जहां पे ये लोग लिखते हैं, ये तो कहती थी कि अपनी सास को अपने ब्लॉग में नहीं दिखाएगी, अब क्यों दिखा रही है। और वाकई में इन्होंने एक वीडियो में ये बात बोली थी। उसके अलावा एक कमेंट और है, कहा है आपने तो बोला था आपकी वीडियो में सास को कोई जिक्र नहीं होगा, ना ही वो वीडियो में आएंगी, ये कहाँ से आ गई, उनको इतना बदनाम करने के बाद भी आपको चैन नहीं मिला है क्या, ऑलरेडी पता है आपके चाहने वालों को उनकी 10 बातें सुनाते हैं,
तो भी उनको लाते हो, आप आखिर करना क्या चाहती हो मैडम? इनका बोलना ये है कि बीते दिनों जो कुछ हुआ उस समय इन्होंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि मैं अपनी फैमिली के किसी भी सदस्य को नहीं दिखाऊंगी, अपनी सास को या किसी को नहीं दिखाऊंगी। और अब इन सब्सक्राइबर का कहना ये है कि आप खुद अब अपनी सास को दिखाते हो, उसके बाद उन्हें बदनाम भी करवाते हो और फिर लोगों को मौका देते हो कि लोग उनके बारे में आके बात करें। अब आपने देखा होगा कि निक्की ने भी अपनी सास को लेना ना काफ़ी कम किया, बिकॉज़ अगर वो अपनी सास को स्क्रीन टाइम ज़्यादा देती थी तो वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में लोग ये कमेंट करते थे कि देखो निक्की क्या दिखाना चाह रही है, कि सास के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, निक्की ये शो करना चाह रही है, निक्की वो शो करना चाह रही है। अच्छा, सास के लिए तो छोटी बहू ही सब कुछ है, जब देखो बस छोटी बहू के साथ ही रहती। तो निक्की ने भी अपनी सास का स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दिया था अपने व्लॉग में, आपने देखा होगा वो बहुत कम, बहुत ही कुछ चीज़ें होंगी जहाँ वो दिखाती होगी, वरना उसने भी अपनी सास का स्क्रीन टाइम कट कर दिया था क्योंकि लोग नेगेटिव बोलने आ जाते थे। वहीं पे अब जब दूसरे लोगों ने सास का स्क्रीन टाइम बढ़ा के दिखा दिया है तो वहाँ पे भी बेसिकली वैसे ही कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये पहले ये कमिट कर चुकी थी कि ये किसी को नहीं दिखाएगी, ऑल ऑफ सडन अगर इन्होंने दिखा भी दिया तो टाइटल थोड़ा सा इन्होंने ऐसा नेगेटिव वाला डाल दिया जिसकी वजह से कुछ सब्सक्राइबर को बुरा लगा कि हमें क्यों झटके लगेंगे। दूसरा ये लगा कि अब फिर से इनकी वजह से इनकी वीडियो में सास नहीं मुस्कुरा रही है, तो वहाँ पे भी कमेंट आए हैं कि आप क्यों इनको वीडियो में लेती हो जब ये ज़बरदस्ती आपके साथ रहती हैं, ना मुस्कुरा के बात कर रही हैं ना अच्छे से कर रही हैं, तो जज करते हैं। वो बेचारी भले ही अपना नॉर्मल रहती, उन्हें नहीं पता कि व्लॉग में उन्हें कैसे करना है, वो नॉर्मल अगर कोई काम कर रही हैं और अगर उनकी कोई भी बहू उनको शूट करके जा रही है उस समय पे, तो वो प्रिपेयर नहीं रहती। मान लो अगर वो कोई चीज़ निकाल रही हैं, बहू का कैमरा ऑन है, तो वो चीज़ निकालेंगी, वो उस चीज़ को कट नहीं करेंगी कि मैं वापस से करती हूँ, तो वो अपना डेली वर्क कर रही होती हैं, बहुएँ आके शूट करती हैं और अपने चैनल में डाल देती हैं, कहीं पर वो मुस्कुराती हुई दिखती हैं, कहीं पर कम मुस्कुराती हुई दिखती हैं, लेकिन उसकी वजह से ऑडियंस जो है वो सास को मिसजज करती है, जहाँ पर निक्की ने भी इसी रीज़न की वजह से सास का स्क्रीन टाइम कम कर दिया था और बार बार यही रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे जितना बोलना है बोल लो, लेकिन मम्मी को कुछ मत बोलो, पापा को कुछ मत बोलो, उसने बहुत बार ये रिक्वेस्ट ऑडियंस के साथ करी है। और अब यही जब कल के व्लॉग में हुआ है तो कुछ लोगों को खुशी हुई है, लेकिन कुछ लोगों को इससे पुरानी बातें याद आ रही हैं कि पुराने कमिटमेंट्स क्या किए गए थे दूसरी पार्टी के द्वारा। तो मैंने सोचा चलिए इसके बारे में आज बात कर लेते हैं। आज का जो व्लॉग आया है प्रेजेंट व्लॉग, उसके बारे में मैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वापस से फैमिली के ऐसी वीडियोस देख के, बॉन्डिंग देख के आप सब लोगों को कैसा लगा, क्या आप लोग ये बॉन्डिंग देख के खुश हैं? खुश हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।